माई डियर स्टूडेंट्स हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टूडे वी विल स्टडी अबाउट मोशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी एंड टाइम at rest in uniform motion, moving with uniform acceleration in non-uniform motion. So here answer in uniform motion, answer B, in uniform motion a velocity time graph parallel to x-axis है, तो इसको क्या बोलेंगे, in uniform motion. Second, suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion and moving with uniform velocity. So here is इज आंसर इन एसिलेटेड मोशन, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में है मेरी गो राउंड पर, तो क्या हुआ, इन एसिलेटेड मोशन, आंसर सी। क्वेश्चन थ्री, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस आर है, ठीक। दिस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी, अब देखिए इसमें हाफ सर्कल, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक हाफ सर्कल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हियर आंसर जीरो पाई आर एंड टू आर टू पाई आर, तो हियर आंसर सी टू आर, आंसर सी टू आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है लीस्ट डिस्टेंस है, तो ए टू बी आर प्लस आर कितना हो गया टू आर, आर और प्लस आर तो ये हो गया टू आर, तो आंसर सी टू आर। क्वेश्चन फोर्थ, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन वन, इक्वल टू वन और लेस देन वन, ऑलवेज मोर देन वन एंड इक्वल टू वन और मोर देन वन। देखिए यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो घट सकता है, इक्वल होगा या कम होगा, तो इसका जो है रेशियो इक्वल टू वन या लेस देन वन, तो हियर आंसर बी इक्वल टू वन और लेस देन वन। क्वेश्चन फाइव, फोर कार्स ए बी सी एंड डी आर मूविंग ऑन ए लेवल स्ट्रेट रोड, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस एंड टाइम, कार ए बी सी एंड डी, यहाँ पर ये इनका स्लोप जो है वो शो कर रहा है इनकी स्पीड को, कौन स्लो है कौन फास्ट है। देखिए यहाँ पर सी जो है ये क्या है, फास्ट है, डी उससे स्लो है, और ए जो है डी से स्लो है, बी जो है वो सबसे स्लो है। कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार बी इज द स्लोएस्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी एंड कार सी इज द स्लोएस्ट। तो इसमें देखिए कार ए इज फास्टर देन कार डी,
तो ये रॉन्ग है, क्योंकि टी कार जो है वो स्लो है, कार बी इज द स्लोएस्ट, तो ये करेक्ट है, कार बी जो है वो स्लोएस्ट है, स्लो पेस का जो है, देखें तो हियर आंसर बी, कार बी इज द स्लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, इन ए फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द स्टोन, वेदर द स्टोन इज हैविंग, अब ऊपर से गिरता हुआ स्टोन जो है जो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स में है उसका मोशन किस प्रकार का होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, रिटार्डेशन एंड कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर आंसर जो है ए, यूनिफॉर्म एसिलेशन, आंसर ए यूनिफॉर्म एसिलेशन, ऊपर से फॉलिंग स्टोन जो है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उसकी जो है यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन, एसिलेशन मतलब है उसकी जो है वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म एसिलेशन। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम, तो इस पे एक स्लोप है ये स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट टू यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर जो है ये इंक्रीजिंग क्या है स्पीड, इसकी जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर वेलोसिटी जो वो क्या डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर जो है ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है या डिस्टेंस जीरो है तो ये रेस्ट में है, क्या है रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आंसर ए, आंसर ए ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है और यहाँ पर जो है रेस्ट में है, यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, तो हियर आंसर ए फोर यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन एट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ढलान स्लोप क्या देता है, द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट द एक्सीलरेशन एंड द स्पीड, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हियर आंसर प्लीज थिंक अबाउट दिस, द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट द एक्सीलरेशन एंड द स्पीड, तो हियर आंसर सी एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। ट्वेल्व, स्पीड इज डिपेंड ऑन पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज, तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है, स्पीड तो यह हुआ पाथ लेंथ, क्या है पाथ लेंथ, आंसर ए, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे लेकिन यहाँ पर स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड ऑन, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नन ऑफ दिस, तो वेलोसिटी आंसर यहाँ पर, हियर आंसर बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
यू नो डिस्प्लेसमेंट इज विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पार्टिकल कंप्लीट्स वन रोटेशन एलोंग इज सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस 14 मीटर इन 44 सेकेंड्स, देन द वैल्यू ऑफ स्पीड इज, अभी यहाँ पर निकालेंगे इसको, सर्कुलर पाथ है, रेडियस 14 मीटर है और 44 सेकेंड में वन रोटेशन हो जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड डी 4 मीटर पर सेकेंड, इसको कैलकुलेट करना है। तो हियर आंसर बी 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर बी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 14 मीटर, रेडियस कितनी है 14 मीटर, टाइम 44 सेकेंड्स ये गिवन है, कवर्ड डिस्टेंस सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस है वो कवर्ड डिस्टेंस होगा, सरकमफ्रेंस फार्मूला 2πr, यू नो वेरी वेल, 2 इसको इसमें पुट करेंगे, 2 × 22/7 × 14 है 14, तो ये 7 से 2 कट दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 22 × 2 88 मीटर, तो डिस्टेंस 88 मीटर, डिस्टेंस 88 मीटर। अब इसको स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 88/44, 88/44 इसको कट कर देंगे ये 2, तो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर ये बी, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 15, द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करता है, डिस्टेंस एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड स्पीड, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड स्पीड, थिंक अबाउट दिस आंसर, हियर आंसर ए डिस्टेंस, हियर आंसर ए डिस्टेंस। क्वेश्चन 16, यू कैन ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस स्पीड एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज फ्रॉम द फार्मूला ऑफ, आंसर सी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के फार्मूला से हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट बस इज ड्राइवर बस, इफ ड्राइवर एसी डिक्लेयर डेसिलेटेड इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड, थिंक अबाउट दिस, बस स्पीड दी हुई है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड और वो बस को स्टॉप करना, ब्रेकिंग करता है, इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने टाइम में जो है वो बस स्टॉप हो जाएगी, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स, इसको कैलकुलेट करेंगे,
हियर आंसर ए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। सॉल्यूशन गिवन, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू 10 मीटर पर सेकेंड, डेसिलेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन है ये, नेगेटिव एसिलेशन, एंड फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि बस स्टॉप हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टाइम रिक्वायर्ड करना है, टाइम जो है रिक्वायर्ड है। वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी इजल टू यू प्लस सी टी, क्या है वी इजल टू यू प्लस सी टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एंड एसिलेशन नेगेटिव है -2, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t नेगेटिव का होगा, नेगेटिव -2t, तो इसको इधर ले आएंगे।